डोरेमोन। दोस्तों, डोरेमोन हमारे बचपन से जुड़ी वह सीरीज थी जिसको देखने के बाद हम ये आशा करते थे कि ये जो गैजेट है ये हमें भी मिल जाए और हमारी भी लाइफ इसी तरह से आसान हो जाए। तो दोस्तों, डोरेमोन के अंदर हम ये देखते थे कि डोरेमोन नोबिता को हर एक परेशानी पर नया नया गैजेट देता था और नोबिता खुद ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहता था तो वो उन गैजेट्स के सहारे जियान और सुनियो से बदला लेता रहता था। तो यह जो थी चीज़ थी हमारे बचपन से जुड़ी हुई एक तरह से मेमोरी है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो डोरेमोन ने हमें बहुत सारी हमारे बचपनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। तो यहाँ पर आज मैं आपको डोरेमोन से जुड़ी वो कहानी सुनाऊंगा जो कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड से जुड़ी है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस कहानी को सुनने के बाद यह पता चल जाएगा कि इस एपिसोड के लास्ट में ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ घंटे के बैल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, नोबिता एक दिन अपने स्कूल से घर आता है लेकिन हमेशा की तरह उसे रास्ते में जियान और सुनियो मिल जाते हैं। वह उनसे पिटकर अपने घर आता है। अपने घर में आने के बाद वह डोरेमोन के पास जाता है ताकि वह जियान और सुनियो से बदला ले सके। लेकिन जैसे ही वो घर पे आता है और वो कमरे के अंदर आता है तो वह यह देखता है कि डोरेमोन जमीन पर गिरा पड़ा है। अब नोबिता यह सोचता है कि डोरेमोन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तो नोबिता डोरेमोन को बात ही बात में कहता है कि डोरेमोन उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डोरा केक लेकर आया हूँ। पर फिर भी डोरेमोन नहीं उठता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब डोरेमोन नहीं उठता है तो नोबिता को यह बात पता चल जाती है कि डोरेमोन मजाक नहीं कर रहा है। तो वह उसकी बहन डोरेमी से कांटेक्ट करता है। नोबिता डोरेमी को बुलाता है। डोरेमी उसे अच्छी तरह चेक करती है और फिर नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इसलिए अब डोरेमोन कभी नहीं उठेगा। इतना सुनते ही नोबिता जोर जोर से रोने लगता है। डोरेमी फिर नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन ठीक हो सकता है अगर रोबोटिक इंजीनियरिंग फिर से डोरेमोन की बैटरी बना दे। अब यह बात सुनकर नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। वह बस अपने दोस्त को याद करने लगता है और वो उन सभी पलों को याद करता है जब उसने डोरेमोन के साथ हंसते खेलते लड़ते झगड़ते अपने वो पल बिताए होते हैं। उसे डोरेमोन की बहुत ही ज़्यादा याद आती है कि वो जब डोरेमोन से लड़ता था। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसे तो बस अपने दोस्त की याद आती रहती है। नोबिता को ना भूख लगती है ना प्यास, उसे बस अपना दोस्त वापस चाहिए होता है। नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगता है और फूट फूट कर रोता है। यहीं से स्टार्ट होता है कहानी के अंदर ट्विस्ट। आगे यह दिखाया जाता है कि नोबिता को अब किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता। वैसे वह अपने दोस्त को याद करता है और अपने दोस्त को वापस लाने के बारे में सोचता रहता है। यह सोचकर नोबिता आगे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। वह अपनी पढ़ाई में पूरा दिन और रात एक कर देता है। शिजुका भी उससे बात करने की कोशिश करती है पर नोबिता अपने शोधों में इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। नोबिता बस बैटरी बनाने में लगा होता है जिससे वह डोरेमोन को वापस ला सके। नोबिता आज भी शिजुका से बहुत ज्यादा प्यार करता है। शिजुका भी उससे प्यार करने लगती है और वह यह बात अपने पिताजी को बता देती है जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं। उसके पिताजी कहते हैं नोबिता बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का है और तुम उससे शादी कर लो। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर एक दिन यह दिखाया जाता है कि जब शिजुका नोबिता के लिए रूम में कॉफी लेकर आती है तो नोबिता ने वह बैटरी बना ली होती है जो कि वह बैटरी डोरेमोन के अंदर फिट कर देता है और डोरेमोन फिर दोबारा वापस आ जाता है। जैसे ही डोरेमोन को होश आता है वह नोबिता से सबसे पहले यह सवाल करता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। यह सुनकर नोबिता की आंखें भर आती हैं और वो डोरेमोन को कस के गले लगा लेता है। शिजुका भी डोरेमोन को कस के गले लगा लेती है। फिर नोबिता डोरेमोन को सारी बात बताता है। ये डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।